हेलो भाइयों बहनों, आप सब लोग कैसे हो। अच्छा, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी और एम्प्लॉयज के लिए भी, क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्राइवेट एम्प्लॉयज वर्सेस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेंडिंग टॉपिक 7th पे कमीशन, जो अप्लाई होने जा रहा है 1 जनवरी 2018 से। यार एक बात समझ में नहीं आती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसा कौन सा मेहनत वाला काम करते हैं जो इनकी सैलरी लगभग डबल हो जाएगी 7th पे कमीशन के बाद में। इनका ड्यूटी टाइम 10 से 5, गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाओगे कोई भी इनका एम्प्लॉय टाइम पे नहीं मिलता 10 बजे सीट पे। और इसके अलावा भी इनके बहुत सारे ऐसे हैं गेजेटेड हॉलीडेज, जो कोई ना कोई आता रहता है। 17 गेजेटेड हॉलीडेज हैं 2017 में। और बताता हूँ, 5 डेज वीक इनका परमानेंट फिक्स है। और इसके अलावा भी मेडिकल ELPL मिला के पता नहीं कितनी छुट्टियाँ मिलती है साल में इनको। और अगर 365 में से इसको माइनस कर दोगे ना छुट्टियों को, तो इनके पास बहुत मेहनत वाला काम बचता है। मैं बताता हूँ क्या। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे कोई भी डॉक्टर नहीं मिलता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, पेशेंट्स की लाइन बाहर तक, कंपाउंडर ही डॉक्टर बना हुआ होता है। बैंक्स में जाओगे आप, गवर्नमेंट बैंक्स में इनका सर्वर हमेशा डाउन मिलता है, ठप मिलता है। एक तो तुम्हारा सर्वर डाउन, एक साले तुम डाउन। और यह प्राइवेट बैंक्स में क्या सर्वर नासा से आता है, जो इनका सर्वर हमेशा अच्छा चलता है और तुम लोगों का सर्वर तो बकवास चलता है। एम्प्लॉयज की बात चल रही है तो आपको बताता हूँ PF के बारे में। EPFO के बारे में तो लगभग सब जानते ही होंगे। EPFO के कमिश्नर अपने मुंह से बोलते हैं कि PF का पैसा लाखों लोगों का पड़ा हुआ है इनके अकाउंट्स में, और लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं और कोई बहुत कम लोग निकालते हैं। सर एक बात बताऊँ आपको, एक छोटा सा करेक्शन कराना होता है ना PF में, जानना पड़ता है वहाँ पे, 6-6 महीने लग जाते हैं, कोई करेक्शन करने वाला नहीं होता, कोई कहाँ भेजता है तो कोई कहाँ भेजता है। यार मुझे लगता है कि जो ये जो महंगाई बढ़ रही है, मेरे को लगता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की वजह से बढ़ रही है। इनको मिलता है DA महंगाई भत्ता, साल का इनका फिक्स है, 7th पे कमीशन लग जाएगा। अभी प्राइवेट एम्प्लॉयज को क्या मिलता है, इनको तो 7th पे कमीशन लगने वाला है ना, तो इनको DA मिलता है कुछ। और व्यापारी लोग 7th पे कमीशन लगने के बाद में हर चीज़ के दाम बढ़ा देंगे, महंगाई बढ़ा देंगे। भाई प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को क्या मिला, उनको ना तो 7th पे कमीशन मिला, और उनका जो इंक्रीमेंट लगता है साल में एक बार लगता है, वो भी 10 से 20%, और ज़्यादा से ज़्यादा लग जाएगा तो 40% लग जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए लेबर डिपार्टमेंट बैठा है जो वेजेस बढ़ाता है लगभग महीने साल में 2 बार, तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत कम कंपनी इसको फॉलो करती है, इस रूल को अप्लाई करती है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर उन गवर्नमेंट लेबर डिपार्टमेंट ने किसी ग्रेजुएट की सैलरी 16,000 फिक्स की है, तो हर कंपनी फ्रेशर की माला जपते जपते उसको ग्रेजुएट की सैलरी नहीं देगी, जो फिक्स कर रखी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने वो सैलरी नहीं देगी, एक अनस्किल्ड की सैलरी देगी। अनस्किल्ड की भी क्यों बोलता हूँ मैं, 9 से 10 हज़ार रुपये दे के उनको टरका देती है। यार 9 से 10 हज़ार में क्या होता है, ग्रेजुएट की सैलरी तो दो कम से कम उसको। और बताता हूँ बोनस के बारे में, तो आप लोग जानते होंगे, जो नहीं जानता उसको भी बता देता हूँ, ये कोई गिफ्ट नहीं है जो कंपनी दे रही है आपको, ये कंप्लायंस है जो हर कंपनी को पूरी करनी होती है, फुलफिल करनी होती है, आपको देना ही होता है, ये आप लोगों का हक है, ये गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है। बहुत सारी कंपनी देती है और इसका परसेंटेज होता है 8.33 से लेकर 20%, और हर कंपनी 8.33 देती है, मतलब सबसे लोएस्ट। और बहुत सी कंपनी तो देती भी नहीं, गिफ्ट देके टरका देती है। गिफ्ट कितने का आ जाता है, 200 का, 500 का, ज्यादा ज्यादा 1,000 का। अब बात करता हूँ ग्रेजुटी की। यार ईद का चांद सुना आपने, ईद का चांद ग्रेजुटी बराबर है, मैंने नहीं सुना ना कभी देखा कि किसी को ग्रेजुटी मिली है। और इन सब को, इस फ्रॉड को, इस कंपनीज के जो फ्रॉड को चेक करने वाले कौन होते हैं लेबर डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वो भी फ्रॉड होते हैं, पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके होते हैं। एम्प्लॉयर इन भ्रष्ट एम्प्लॉयज को पैसे दे देता है, चुप करा देता है, ये हो जाते हैं चुप, ठीक है। और हमारी गवर्नमेंट, यार एक बात समझ में नहीं आती, हर गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बारे में क्यों सोचती है, प्राइवेट एम्प्लॉयज के बारे में कौन सोचेगा, इनके बारे में तो कोई सोचते नहीं, क्यों भाई, ये लोग वोट नहीं देते, मतलब हम लोग करें क्या, मतलब गधा घास चरता रहे और आंख बंद करके वोट देता रहे, जब तो ठीक है गवर्नमेंट, जब तो प्राइवेट एम्प्लॉय भी ठीक है, तो सब कुछ ठीक है ना। आप कोई नहीं सोचेगा प्राइवेट एम्प्लॉयज के बारे में। जिसको ये वीडियो अच्छा लगा ना वो शेयर कर दो, लाइक कर दो, जिसे समझ में नहीं आया ना वो डिसलाइक करके जरूर जाना। जय हिंद।